नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आसमान में छुआ रही है और विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा है। मैं नहीं मानता। और लगातार जनता भी अब सवाल पूछने पे लगी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कटघरे में खड़ा हो रही है और चार के चार शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अभी परिपक्व और परिपूर्ण नहीं हुआ है, तो पूजा पाठ करना और शिलान्यास करना, प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आप सोचिएगा जरूर कि राजनीति चुनावी राजनीति और 24 के इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर 24 से पहले यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हमारी राजनीतिक रोटियां चमक जाएंगी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हमारी राजनीति चमक जाएगी। और विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने जो निमंत्रण लेने से अस्वीकार कर दिया है, मीडिया दिन रात छाती पीटने में लगी है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो राम को नहीं मानते हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। आप एक चीज बताइएगा जरूर। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे राम है, आपके राम है, राम यहाँ है, राम वहाँ है, राम कण कण में है, राम पल पल में है, राम हर समय है, राम जिधर भी देखो इधर राम, उधर राम, चारों तरफ राम है। लेकिन क्या आप बताइए, क्या राम 22 तारीख को ही रहेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। मैं आज आपको एक एक पुख्ता सबूत बताऊंगा। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो प्रोग्राम है जिसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा हम करवा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए इन न्योता दे रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राम के दरबार में जाइए, अनुराग ओझा जाता है अयोध्या, अनुराग ओझा जाता है अयोध्या, जाएगा अनुराग ओझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कोई पार्टी जाए न जाए, मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं है। जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस तारीख को नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे। राम के दर्शन करने भाई बीजेपी वाले भी लोग जाएंगे, आरएसएस वाले भी जाएंगे, कांग्रेस वाले भी जाएंगे, सपा वाले भी जाएंगे, बसपा वाले भी, सब पार्टी वाले जाएंगे, क्योंकि राम सबके हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। बीजेपी के राम नहीं है, बीजेपी राम से है, राम बीजेपी से नहीं है।